डियर स्टूडेंट जोहार, मैं प्रताश कुमार झा प्लस टू स्कूल साड़मा से आपको PhD में प्लानिंग के बारे में उसके प्रोसेस के स्टेप के बारे में और प्लानिंग का जो मेन कार्य है, लक्षण है और एक अच्छा योजना कैसे बनेगा, उसकी क्या विशेषता हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। हेनरी फ्योल साहब ने प्लानिंग तो एक मैनेजमेंट का प्राथमिक कार्य माना था। प्लानिंग जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानवीय तथा भौतिक घटकों का व्यवस्थित एवं समन्वित प्रयास किया जाता है जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ पॉसिबल मेथड तो सिलेक्शन किया जाता है। प्लानिंग तो हम कह सकते हैं कल का काम आज ही निर्धारित करना। प्लानिंग प्रक्रिया जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि प्लानिंग के द्वारा, नियोजन के द्वारा हम पूर्वा अनुमान लगाते हैं और निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य तो पूर्वा अनुमान से तुलना करते हैं और विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन करते हैं। प्लानिंग की प्रक्रिया जो है वह सभी स्तर पर होती है और प्लानिंग एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर हम पुनः प्लान, सब प्लान बनाकर हम कर सकते हैं। प्लानिंग प्रक्रिया में हम मैनेजमेंट के स्टाफ, ऑर्गेनाइजेशन तो एक लक्ष्य में लाते हैं। प्लानिंग एक मानसिक प्रक्रिया है। प्लानिंग के द्वारा हम मार्गदर्शन देते हैं। मैनेजमेंट प्लानिंग के द्वारा अपने एफिशिएंसी तो भी बताते हैं। प्लानिंग के मुख्य उद्देश्य जो हैं वह भावी कार्यों में निश्चितता लाना, विशिष्ट दिशा में संगठन तो ले जाना और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन की स्थापना करना, प्रबंध में इकोनॉमी लाना, खर्चे तो कम करना, उत्पादन तो अधिक करना है। प्लानिंग ते एक उद्देश्य यह भी है कि निर्धारित लक्ष्य तो प्राप्त करने में कम से कम खर्च पर वह लक्ष्य प्राप्त हो। प्लानिंग के द्वारा हम अपने कम्पिटिटर यानी प्रतिस्पर्धा पर भी कंट्रोल या विजय प्राप्त करते हैं। अब हम जानेंगे कि नियोजन प्रक्रिया के कदम। नियोजन प्रक्रिया का जो पहला कदम है, स्टेप है, वह है डिटरमिनेशन ऑफ गोल। यदि हम तो गोल ही निश्चित नहीं करेंगे तो पूर्वानुमान कैसे हम करेंगे?
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नियोजन की प्रक्रिया में हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। तो हम देखते हैं कि नियोजन प्रक्रिया में जो है पहला जो है मेरा उद्देश्य का निर्धारण है। उद्देश्य का निर्धारण में यह कहा जाता है कि मैनेजर तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड करना होगा, ऑब्जेक्टिव तो डिटरमाइन करना होगा, और उस वह उसका पहला काम है। दूसरा काम है पूर्वानुमान लगाना, यानी अब हम देखेंगे कि जो हम प्लान बना रहे हैं वह प्लान आज का नहीं है, वह हो सकता है 1 साल बाद का प्लान हो या 5 साल बाद का प्लान हो। तो प्लान तो हम देखेंगे, जो हम प्लान बना रहे हैं वह 30 मकसद से बना रहे हैं, या प्लान जो बना रहे हैं वह प्लान जो है वह मेरा सिंगल प्लान है कि स्टैंडिंग प्लान है कि एडहोक प्लान है। तो प्लान पूर्वानुमान के आधार पर हम प्लान तो बता कर लेते हैं। तीसरा जो है जो स्टेप है प्लानिंग का वह है डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव, यानी वैकल्पिक मार्गों की खोज करना। जो उद्देश्य तो प्राप्त कर रहे हैं उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम 3-3 ऑप्शन है उनके बारे में, सभी ऑप्शन के बारे में विचार करना चाहिए। मैनेजर तो यह देखना चाहिए कि हम इस लक्ष्य तो प्राप्त करने में कितने ऑप्शन हैं, और सभी ऑप्शन तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं विकल्पों को मूल्यांकन करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना यह बताता है कि हमारे पास जो विकल्प उपस्थित हैं उस विकल्प में सबसे सस्ता, सबसे सरल और सबसे सहज कौन विकल्प है उसको हम लोग चयन करेंगे। पांचवा है सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव। अब सभी विकल्प में सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन हुआ? जो विकल्प सस्ता हो, जो विकल्प सहज हो, जो आसानी से मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो है छठा जो स्टेप है वह है सहायक योजना तो निर्धारण। हम लोग प्लान बनाते हैं तो हम लोग एक प्लान बनाते चलने दें, मान लीजिए वो प्लान पूरा नहीं कर पाए तो हो सकता है हमारा योजना ही बैठ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, उप योजना का निर्धारण करेंगे या सहायक योजना का निर्धारण करेंगे, जो उस मेन प्लान तो पूरा होने में सहायता करेगा। योजनाओं तो लागू करना, अब जब हमारा प्लान बन दिया, सब प्लान बन दिया, तब हम योजना तो कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे, और इसे हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान कहेंगे। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि अच्छी योजना की क्या विशेषता है। तो हम अगर हम देख सकते हैं कि हम अच्छी योजना उसे कहेंगे जो सबसे सरलता से योजना बन जाए, यानी योजना तो जो सबसे पहला विशेषता है कि योजना जटिल नहीं होना चाहिए। जटिल योजना जो होती है वह सबनेट तो समझ में ही नहीं आएगी, जो उसके नीचे है उसको समझ में ही नहीं आएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंप्लिसिटी जो है वह पहली विशेषता है। दूसरा जो विशेषता है वह है मितव्ययता, यानी प्लान बनाने में खर्च कितना आ रहा है। अगर प्लान बनाएं और ब्लूप्रिंट बनाएं और उसमें पता चलाती है यह प्लान में बहुत ज़्यादा खर्चीला है, तो वह प्लान अंत तक नहीं सही पहुंच पाता है या अपने लक्ष्य तो प्राप्त नहीं कर पाता है। और तीसरा जो योजना की विशेषता है वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण जो है वह बताता है कि योजना जो है बिना उद्देश्य का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अच्छी योजना का जो प्रकार है वह हम
और भी दे सकते हैं। तो चौथा जो है योजना, तो जो है योजना विस्तृत होना चाहिए, विशेषता है, विस्तृत मैंने कॉम्प्रिहेंसिव, योजना इतना बड़ा होना चाहिए कि बीच में कुछ परिवर्तन भी आए तो वह योजना फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो योजना जो है व्यापक और विस्तृत होना चाहिए। और पांचवा जो विशेषता है, योजना जो होना चाहिए वह फ्लेक्सिबल यानी लोच होना चाहिए, यानी हम बना लिए स्ट्रिक्ट योजना नहीं बना लिए, अब तो समय परिवर्तन हुआ तो उसमें जोड़ना चाहें तो हम नहीं जोड़ पाएँ। तो योजना जो होना चाहिए वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और छठा जो विशेषता है वह योजना संतुलित होना चाहिए। संतुलित कहने का मतलब यह हुआ कि योजना जो है योजना न ज़्यादा बड़ा होना चाहिए न ज़्यादा छोटा होना चाहिए, यानी एक ऐसा योजना संतुलित होना चाहिए कि जिस तो हम लोग ईजिली हम उसको बियर कर सकते हैं या बहन कर सकते हैं या समझ सकते हैं, फिजिबिलिटी होना चाहिए। अब हम देखते हैं योजना का जो सातवां विशेषता है एक अच्छी योजना का गुड प्लान था वह है स्टेबिलिटी, यानी योजना ऐसा बनाना चाहिए कि जो योजना बार बार उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। यदि हम बार बार योजना ही बनाते रहेंगे तो ताम तब तरेंगे। तो योजना जब भी बनाएं तो योजना में एक स्टेबिलिटी आना चाहिए। और आठवां विशेषता है पार्टिसिपेशन, योजना ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक आदमी का ही योजना नहीं होना चाहिए, योजना में और सारे मैनेजर का सबनेट का भी व्यू लेना चाहिए, और उस व्यू तो मेन प्लान बनाने में उसमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब तक पार्टिसिपेशन ले दें तो योजना अच्छा बनेगा। और नौवां जो है वह व्यवहारिकता, यानी प्रैक्टिकेबिलिटी होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल हो, योजना ऐसा हो जो प्रैक्टिकली ऊपर आ जाए। और दसवां जो है वह है भविष्यता, जो फ्यूचरिटी, यानी योजना ऐसा हो तो जो आज जो हम योजना बना रहे हैं 10 साल बाद भी वो योजना में उसी योजना पर हम ऑर्गेनाइजेशन तो ले जाए। योजना जो है फ्यूचरिटी का भी उद्दून होना चाहिए, यानी योजना अगर हम ऐसा योजना बनाए जो लंबे समय तक योजना चल रहा है तो हमारा बार बार योजना बनाने का काम, यानी प्राथमिक तार हम तो तोड़ना नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे नियोजन ते लाभ, प्लानिंग ते क्या लाभ है। प्लानिंग ते लाभ जो हैं वह ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन चलाने में होता है। आप जानते हैं कि हम प्लानिंग क्यों बनाते हैं, तो प्लानिंग बनाने का मेरा पहला उद्देश्य होता है, जो लाभ ये है कि हम फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है उसको हम लोग सामना कैसे करेंगे, जो चेंज होने वाला है निकट भविष्य में उसको हम कैसे सामना करेंगे। तो प्लानिंग हम ऐसे करेंगे कि जिसका भविष्य में भी उसका समझ में आए। जैसे आप तो उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए रेडियो, रेडियो जो बना तो रेडियो बना और उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या हुआ कि अब मोबाइल में भी सबसे FM रेडियो है, तो यह बताता है कि रेडियो पहले भी था और आज भी है। तो रेडियो अपना प्लान ऐसा बनाया कि आज के समय भी रेडियो उतनी ही ज़्यादा व्यवहारित है जितना आज से 20 साल 25 साल पहले रेडियो था। तो हम देखते हैं कि रेडियो बनाने वाले जो मैनेजर होंगे वह जो FM रेडियो बनाने वाले वो क्या प्लान बनाए, ऐसा ब्लूप्रिंट बनाए जो आज की डेट में उतना रेलेवेंसी है। अब दूसरा जो है वह है संरचनात्मक लक्ष्यों तो और ध्यान केंद्रित करना। संरचनात्मक लक्ष्यों के प्रति ध्यान केंद्रित करने का क्या मतलब हुआ कि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य रखे हैं, अब प्लानिंग कर लेने के बाद अब हम प्लानिंग पर अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, अपना एनर्जी तो नष्ट नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। और तीसरा जो है एकता और समन्वय स्थापित करना। प्लानिंग का जो मेन लाभ है वह कोऑर्डिनेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बहुत सारे इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, स्टाफ में, ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप में, टॉप मैनेजर में और सबनेट में, तो प्लानिंग के द्वारा सब तो ताम दिया जाता है और प्लानिंग के द्वारा सब तो तार विभाजन रहता है, जिससे उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में एकता स्थापित करने में सहूलियत होती है। चौथा है संगठन तो प्रभावी बनाने के लिए, संगठन तो प्रभावी बनाने के लिए एक प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग के द्वारा ही संगठन तो हम इफेक्टिव कर सकते हैं। और पांचवा जो लाभ है उपलब्ध साधनों का सिस्टम उपयोग करने के लिए, उपलब्ध साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हम प्लानिंग के द्वारा ही कर सकते हैं। मेरे पास क्या संसाधन है उस संसाधन में सर्वश्रेष्ठ विकल्प तो चयन कर हम उसका श्रेष्ठतम उपयोग कर सकते हैं। और प्लानिंग के द्वारा हम अपने सबनेट, स्टाफ और लेबर में मनोबल
बढ़ा सकते हैं और उसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक गुड प्लानर जो होता है वो अपने सबनेट तो मॉडल तो हाई तर रखता है, और जो सातवां जो नियोजन लाभ हैं वह नियंत्रण तो सुविधाजनक बनाने के लिए, नियंत्रण जो है कंट्रोल जो होता है वह प्लानिंग के द्वारा ही होता है। अगर हम प्लान बनाएं और उस प्लान तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँ तो हम फिर से उस प्लान तो बदलते हैं और इस तरह हम कंट्रोल कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पर। इस प्रकार हम देखें कि प्लानिंग जो है वह, अब हम देखेंगे नियोजन ते तत्व या क्षेत्र, यानी नियोजन ते कितने प्रकार, नियोजन ते कितने सब हो रूप प्लान होते हैं, यानी प्लानिंग ते एलिमेंट, प्लानिंग के लिए 8 तत्व हैं। जो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव जो होता है प्लानिंग का पहला क्षेत्र है जिसमें हम किसी भी संगठन का मूल उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, अन्य उद्देश्य तो हम पहचानते हैं और उसको हम समझते हैं। दूसरा जो तत्व है वह है मोर्चाबंदी या व्यूहरचना, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो है वह प्लानिंग का टॉप लेवल प्लानिंग में आता है। इसे हम लोग ऐसे समझें कि अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी है और वह भारत में आना चाहती है उत्पाद लेकर, तो उसे अपना स्ट्रेटजी बनाना होगा, उसे अपना SWOT एनालिसिस करना होगा। S का मतलब हुआ स्ट्रेंथ, O का मतलब हुआ अपॉर्चुनिटी, W का मतलब हुआ वीकनेस और T का मतलब हुआ थ्रेट। यानी वह अपने चारों स्तंभ का अध्ययन कर ऐसा प्लान बनाए दी जो उस तो थ्रेट और वीकनेस तो दूर करेगा और उस तो अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ में बदल देगा। यह है व्यूहरचना। तीसरा जो है नियोजन के जो तत्व हैं वह है नीतियों का आशय। नीतियों का आशय मतलब हुआ पॉलिसी बनाना, एक ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी बनाना भी नियोजन का एक तत्व है, क्षेत्र है। हमारा गोल क्या होगा, हमारा मोटो क्या होगा, ये बनाना प्लानिंग का ही तारे है। चौथा जो नियोजन का तत्व है वह है कार्य विधियां यानी प्रोसीड्यूर। यह बताता है कि किस मेथड के द्वारा, किस प्रोसीड्यूर कार्य विधि के द्वारा हम कार्य विधि तो हम समझ सकते हैं कि ए सेट ऑफ मेथड है, यानी ये किसी तार विधि तो पहुँचने सारे बहुत सारे पद्धति तो हम संयोजन करते हैं तब वो तार विधि बनता है। और जिसे हम जैसे उदाहरण देते लिए अभी आप देखते होंगे SOP बहुत चल रहा है, बहुत अभी जिक्र हो रहा है न्यूज़पेपर में। SOP क्या है, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीड्यूर। तो ये काम करने का क्या प्रोसीड्यूर हो, जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो कोरोना के समय में क्या SOP होना चाहिए, तो सभी तो सैनिटाइज हाथ रखना चाहिए, बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और अपने घर से ही डिजिटल मेथड से काम करना चाहिए। और इसीलिए जो है आज हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल मेथड आज कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उसके बाद पांचवा जो है नियोजन क्षेत्र है वह है मेथड। यह एक काम करने का विधि है, यह विधि, यह नियोजन का जो प्रकार है, यह प्रकार जो है सबनेट के लिए होता है। कार्य विभाजन का सबसे लघु रूप होता है मेथड। तो ये काम, एक काम करने का क्या मेथड होगा, वह होता है नियोजन का क्षेत्र, इसमें विधिया में। अब छठा जो क्षेत्र है वह नियम। नियम जो होता है वह डेली काम करने वाला, रूटीन वर्क करने वाले के लिए नियम होते हैं। इस नियम में दो तरह के नियम बनते हैं। एक नियम होते हैं स्टैंडिंग रूल्स, जो एकदम मानक रूल है, ये रूल का पालन करना होगा। और दूसरा रूल होते हैं जो स्पेशल रूल होते हैं, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि विशेष परिस्थिति में वह रूल्स बनते हैं। सातवां जो नियोजन का जो क्षेत्र है वह है बजट। बजट बनाना, बजट बनाकर ही हम यह जान सकते हैं कि जो योजना हम बना रहे हैं यह योजना में पैसा कितना लगेगा और खर्चे कितने आएंगे,
तोन तोन से जगह से हमारा पैसा आएगा, तहाँ तहाँ पैसा हम तो लदेगा। ये सभी ता एक चित्र होता है, एक स्टेटमेंट होता है, जो प्लानिंग का ही एक रूप है बजट। बजट के द्वारा हम लोग यह जान सकते हैं कि मेरे पास जो संसाधन है उस संसाधन से हम बिजनेस तो चलाएंगे, तो हम तो बाहर से पब्लिक से बैंक से या एक्सटर्नल से एक्सटर्नल लोन कितना लेना पड़ेगा, ये टोटल चित्र हमारे बजट में होता है। और सबसे लास्ट में नियोजन का जो क्षेत्र है या तत्व है वह है कार्यक्रम प्रोग्राम। किसी भी प्लानिंग तो अगर हम लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उस तो हम प्रोग्राम के रूप में चलाते हैं। जैसे आप लोग अभी जानते होंगे नरेगा, नरेगा क्या है, एक प्रोग्राम है जो गरीबी उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा है। तो जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वह एक लंबे समय के लिए चलते हैं। तो आज का यह मेरा लेक्चर जो था वह नियोजन क्या है, नियोजन क्या स्टेप हैं, नियोजन प्रोसेस के क्या स्टेप हैं, एक अच्छा प्लान बनाने के लिए तौन तौन से विशेषताओं तो होना चाहिए ये जाने, और नियोजन के कितने प्रकार होते हैं तत्व के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उसके बारे में हम जानकारी आप तो दिए। यह जानकारी आप तो कैसा लगा इसका ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फीडबैक दे, और हमारे जो भी इसमें और आप चाहते हैं जानना आप हमें इस पर कमेंट दें। थैंक यू।